हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्ट्री मेंटरशिप। आज हम सीटेट से पढ़ेंगे चैप्टर वन सीडीपी का। उसका हमारा चैप्टर वन पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। ओके, सो आज का हमारा चैप्टर रहेगा डेवलपमेंट। सबसे पहले डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। डेवलपमेंट जो है वो हमारा क्वालिटेटिव चेंज होता है, जो भी हमारी बॉडी में, हमारे मूड्स में, हमारा फिजिकल कॉग्निट, किसी भी तरीके का जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। लेकिन कौन सा चेंज? नॉट अ इंस्टेंट चेंज कि आपका जैसे अभी एक्सीडेंट हुआ, आपको चोट लग गई, ये हमारे डेवलपमेंट में नहीं आएगा। जो परमानेंट चेंज होता है वो हमारा सब डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, सो जो हमारा डेवलपमेंट है वो वूम टू टूम जाते हैं, वूम टू टूम मींस कि जन्म से लेके और कब्र तक। जब हम पैदा होते हैं, कोई भी बच्चा जब पैदा हुआ है तब से लेके जब तक उसकी मृत्यु होती है, ठीक है, तब तक उसका जो डेवलपमेंट होता है, जो भी उसके अंदर चेंजेस आते हैं, वो सब हमारे डेवलपमेंट में काउंट होते हैं। जैसे कि बर्थ टू डेथ जाता है ये हमारा वूम टू टूम। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो है डेवलपमेंट हमारा कभी रुकता नहीं है कि एक एट कोई स्टेज पे जाके ये स्टॉप हो जाता है, नहीं, ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये हमारा डेवलपमेंट जो है वो वूम टू टूम जाता है, बर्थ से डेथ तक जाता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, परमानेंट चेंज जो भी होता है। परमानेंट चेंज डेवलपमेंट कहलाता है। ये नॉट क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट को हम कभी मेजर नहीं कर सकते कि हमारे अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है। ये क्वालिटेटिव चेंज होता है, क्वालिटेटिव चेंज होता है। ये पता चलता है डेवलपमेंट के, इंसान का डेवलपमेंट कैसे हुआ है कि किसी बंदे के नेचर में भी चेंजेस आना, ठीक है, किसी भी बच्चे के इमोशंस में चेंज आना। पहले कोई बच्चा था जो कि बहुत छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाता था या बहुत आर्ग्यू करता था, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था। लेकिन कैसे कहते हैं कि हाँ, इस बंदे का डेवलपमेंट हो गया, जब हमारा उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आ जाए। ठीक है, आप ये सब नोट कर लो, इसका आगे का मैं आगे और बताती हूँ आपको। सो स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, अब हम आगे का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के फोर मेन टाइप्स होते हैं, डेवलपमेंट के फोर मेन टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या, इसको हम याद रख सकते हैं। पी सी एस ई, पी सी एस ई से हम इसको याद रख सकते हैं। फर्स्ट डेवलपमेंट का टाइप है फिजिकल। क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट। कोई भी हमारी बॉडी में फिजिकल से चेंजेस आना, ठीक है, वो हमारे सारे फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। कॉग्निटिव, डेवलपमेंट मींस हमारा बौद्धिक विकास होना, हमारी बुद्धि का डेवलपमेंट होना, हम किसी भी चीज से किस तरीके से सोच सकते हैं, वो सारे हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। एस,
सोशल डेवलपमेंट, हम किस तरह अपनी सोसाइटी में हम किस तरह सोशली वर्क करते हैं, हम किस तरह अपनी सोशल वर्क्स करते हैं अपनी सोसाइटी में, ठीक है, हम किस तरह लोगों से मिलने से इंटरेक्टिव होते हैं, ठीक है, वो सारे हमारे सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल, नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट हमारा कब होता है, जब हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आ जाए, कि हाँ हम किसी ने हमें कुछ बात बोली हम तुरंत ना रोएं, ठीक है, इतनी जल्दी हम कैसे उस चीज को टैकल कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमें हर जगह गुस्सा दिखाना है, हर जगह प्यार दिखाना है, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये फोर मेन पार्ट्स होते हैं, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, PCSE से, फिजिकल कॉग्निटिव सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा दो और होते हैं, इसके अलावा दो और होते हैं, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड लास्ट वन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से बोलना नहीं सीखता, उसको धीरे धीरे पहले वो बैबल करता है, ठीक है, उसके बाद में वो वन वर्ड सेंटेंसेस बोलता है, उसके बाद में टू वर्ड, उसके बाद में एक लाइन सेंटेंस बोलता है, देन उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, देन वो बोलना सीखता है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारा सोसाइटी पे, हमारा जो भी पीयर्स होते हैं इनके ऊपर डेवलप कर, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जैसे कि हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर क्या है, ठीक है, ये इस पे बहुत इफेक्ट डालता है कि हमारे घर में क्या लैंग्वेज बोली जाती है। सबसे पहला इफेक्ट तो बच्चा लैंग्वेज कहाँ से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है, सबसे पहला। सेकंड, फैमिली से, अगर आपकी कोई फैमिली है जो हिंदी लैंग्वेज बोलते तो आपका बच्चा भी सबसे पहले हिंदी ही सीखेगा। अगर आपकी फैमिली इंग्लिश बोलती है, ठीक है, तो आपका बच्चा भी इंग्लिश ही सीखता है। फर्स्ट इफेक्ट लैंग्वेज पे कौन डालता है, फैमिली। देन पीयर्स, पीयर्स कौन होते हैं बच्चों, पीयर्स वो होते हैं जो हमारा आस पड़ोस होता है, ठीक है, जो हमारे साथ के बच्चे होते हैं, कि जो हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो हमारे पीयर्स होते हैं, जो हमारे साथ के बच्चे होते हैं, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट वो होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उससे ना तो सोसाइटी को कोई नुकसान हो, सोसाइटी के लिए चीजें अच्छी हो, और साथ में हमारा खुद का सेल्फ लव भी हो, कि हाँ हमें हमें ये काम करने से अच्छा लगता है, हमने कुछ सोसाइटी के लिए किया, वो हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ये हमारा सारा मोरल डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप इसको नोट्स कर सकते हो, वैसे मेन जो होते हैं उसके वो यही होते हैं, आप PCSE से याद रख सकते हो, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। उससे एक्स्ट्रा हमारे ये होते हैं मोरल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लो, इसका आगे का फिर मैं आपको बताती हूँ। हो गया स्टूडेंट्स, आपने सबने नोट कर लिया ये, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम, चलो आप बताओ मेरे को डिफरेंस क्या होता है डेवलपमेंट और ग्रोथ में, कोई बच्चा बता सकता है तो कमेंट करना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है किसमें, डेवलपमेंट में एंड ग्रोथ में,
डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में। कोई बता सकता है मुझे डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है? कोई भी बच्चा? देखो जो डेवलपमेंट होता है ना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और जो हमारा ग्रोथ होता है वो स्टॉप एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा वूम टू टूम जाता है और ग्रोथ जो है वो हमारा स्टॉप हो जाता है एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा तो नहीं है कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ मतलब जो हम मेजर कर सकते हैं, हमारा वेट, हाइट बढ़ना, ठीक है, वो ये तो है नहीं, हमारी लाइफ टाइम चलती रहेगी। लाइफ टाइम आपकी किसी की हाइट बढ़ती है? नहीं बढ़ती, ठीक है। तो ग्रोथ जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे खत्म हो जाता है, डेवलपमेंट जो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है, ये होता है क्वालिटेटिव चेंज। मतलब बंदे की क्वालिटीज में चेंज आती है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। और ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव। इसको आप मेजर कर सकते हो, कितनी आपकी हाइट बढ़ी है, आज आपकी 5 फीट हाइट है, कल आपकी 5.2 होगी, इसको आप मेजर कर सकते हो ग्रोथ को, लेकिन डेवलपमेंट को आप कभी मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट इज नॉट मेजरेबल। आप इसको मेजर नहीं कर सकते डेवलपमेंट को। इट इज मेजरेबल। ओके स्टूडेंट्स, ये ही मेन पॉइंट्स होते हैं हमारे कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये एक टाइम के बाद रुक जाता है, ये क्वालिटेटिव चेंज होता है, ये क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं, ये मेजरेबल नहीं होता और ये इसको हम मेजर कर सकते हैं। हमारी कितनी हाइट बढ़ी, कितना वेट बढ़ा, इसको हम मेजर कर सकते हैं, ये हमारी ग्रोथ में आता है, ठीक है। ये हमें दिखता नहीं है, डेवलपमेंट हमारा हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? बंदे के नेचर से पता चलेगा कि हाँ उसका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, उसकी बातों से, उसके परफॉर्मेंस से हमें पता चलता है कि उसका डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसका जो ग्रोथ है वो हमें दिखता है कि उसकी हाइट इतने परसेंट बढ़ गई, उसको मेजर कर सकते हैं ना। सो इट इज सीन इट इज, ठीक है, ग्रोथ जो है वो हमारी दिख सकती है और डेवलपमेंट हमारा दिखता नहीं है। इसमें चेंजेस इन ऑर्डर, चेंजेस इन ऑर्डर, इसमें ऑर्डर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आप ये डिफरेंस नोट कर लो, ये बहुत पूछा जाता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा कि जो एक मेजरेबल क्या होता है, ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट होता है, तो यही इसी टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपकी सीटेट में देखने को मिलते हैं। सो आप ये डिफरेंस नोट कर सकते हो, इसके बाद में मैं आपको आगे कराती हूँ, नोट कर लो आप। स्टार्ट करें स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे मैच्योरिटी के बारे में।
व्हाट इज मैच्योरिटी? बता सकते क्या होती है मैच्योरिटी? कैसे हम अंदाजा लगाते लगा सकते हैं कि ये बच्चा मैच्योर हो गया है या इसमें मैच्योरिटी आ गई है? एनीवन? मैच्योरेशन, क्या जानते हो मैच्योरेशन के बारे में, मैच्योरिटी के बारे में? एनीवन? मैच्योरिटी इट इज रिलेटेड टू हेरिडिटी, ठीक है? मैच्योरिटी किससे रिलेट करती है? हेरिडिटी से. इट इज अ फिजिकल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस होता है जो हेरिडिटी क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है? जैसे कई बच्चे होते हैं उनकी हाइट, उनकी मेच्योरिटी उनके हेरिडिटी पे डिपेंड करती है कि आपके मम्मी पापा की कितनी हाइट है, वो डिपेंड करेगी हेरिडिटी पे कि आपकी भी हाइट कितनी होगी. आपकी आईज का कलर वो आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि हेरिडिटी से, कि आपको आपके पेरेंट्स की ग्रे आईज थी, आपको भी ग्रे आईज मिल गई. किससे पता चलेगा ये? कि ये हेरिडिटी से मिली आपको. किससे मिली है? हेरिडिटी से, ठीक है? इट इज अ फिजिकल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. मैच्योरेशन का मतलब ही है कि बच्चे का कितना बौद्धिक विकास हुआ है, कितना उसकी फिजिकल में डेवलपमेंट हुई है, ठीक है? कितना बच्चा दिमाग से सोच सकता है, कितनी रीजनिंग आ जाए, कितनी क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है, ये सारी मैच्योरिटी से, मैच्योरेशन से आती है. हम कब मानते हैं? ऐसा तो नहीं है हम फोर्थ क्लास के या थर्ड क्लास के बच्चे को एक रीजनिंग का क्वेश्चन दे रहे, क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन दे रहे, तो वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी मैच्योरिटी से उसको सॉल्व कर देगा. नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ अब ये बड़ा हो गया, अब हम इसको कोई क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन देंगे तो ये पक्का सॉल्व कर देगा. कैसे? उसकी मैच्योरेशन से, कि उसमें कितनी मैच्योरिटी आ गई है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? सो इट्स ऑल अबाउट मैच्योरेशन. अब इसको नोट करो, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. अब हम आगे पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, कि बच्चा डेवलपमेंट में कैसे लर्निंग से सीखता है, ठीक है? नोट करो इसको, नेक्स्ट चैप्टर. हो गया नोट, नेक्स्ट पे चलें. चलो अब हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ठीक है? क्या रिलेशन है डेवलपमेंट का और लर्निंग का? जरूरी है कि बच्चा डेवलप हो गया तो उसको वो अच्छे से हर चीजें सीख सकेगा? सबका अपने अपने डेवलपमेंट के भी बहुत टाइप्स है ना, फिजिकल है, कॉग्निटिव है, इमोशनल है, सोशल है, हर तरीके से. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेवलपमेंट के पार्ट्स है, क्या PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं क्या? अगर किसी भी बच्चे का एक सेक्टर में डेवलपमेंट कम है, लो है, तो क्या वो दूसरे सेक्टर के डेवलपमेंट्स पे असर डालता है? यस, ऑफ कोर्स. अगर कोई भी बच्चा, ठीक है, वो फिजिकली लो है तो उसको हर चीज में प्रॉब्लम आएगी.
ये सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। फिजिकल रिलेटेड है, कॉग्निटिव से कॉग्निटिव रिलेटेड है, सोशल से सोशल रिलेटेड है, इमोशनल से। ठीक है, कोई बच्चा अगर इमोशनली परेशान है तो क्या वो सोशली इंटरेक्ट कर पाएगा किसी से? बहुत इजीली नहीं कर पाएगा। क्या कोई बच्चा सोशली अगर किसी से, उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको एक पैर में प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, क्या वो अपने आप को सोसाइटी के सामने नॉर्मल लोगों की तरह फील करा पाएगा? नहीं कर पाता। उसको अपने अंदर से ही एक इमोशंस वाली इनसिक्योरिटी रहती है। ठीक है, सो यही था कि जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स लर्निंग। लर्निंग इज डेवलपमेंट कम from efforts and practice। बच्चा कब सीखता है, कब उसका डेवलपमेंट होता है, कब उस वो लर्निंग सीखता है? जब वो एक ही काम पे एफर्ट्स डालता है अपने। ऐसा तो नहीं है कि आप बैठ जाओ और आपका काम अपने आप होता रहेगा कि आपको लर्निंग हो जाएगी, आपकी लर्निंग आ जाएगी। नहीं, जब आप किसी भी चीज को करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, किसी भी चीज में डेवलपमेंट, कुछ भी चीज लर्न करने के लिए अपने एफर्ट्स डालते हो, उस चीज की प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तभी आपको आती है। आपको भी पता है, आपको एक वैसे क्वेश्चन कर रहे हो, बच्चा 2+2 कर रहे हैं, उससे लिख दिया 3, गलत है, कैसे आएगा उसको ये? जब वो प्रैक्टिस करेगा बराबर 1 1 1 1, ठीक है, देन वो आंसर क्या लिखेगा? 4। कैसे आएंगे? टेबल्स याद हो जाते हैं छोटे बच्चों को? एकदम से नहीं होते। वो कैसे याद होते हैं? जब वो एफर्ट्स डालते हैं, उसको याद करता है, उस पर प्रैक्टिस करता है, उसको बार बार प्रैक्टिस करता है उसकी, ठीक है। सो लर्निंग कब आती है? लर्निंग को ही डेवलपमेंट बोलते हैं, लर्निंग से ही डेवलपमेंट आती है। जब बच्चा कुछ सीख रहा है तभी तो डेवलपमेंट होगा ना। वो किससे आता है? एफर्ट्स करने से। जब कोई बच्चा किसी चीज के लिए एफर्ट्स करेगा तभी तो लर्निंग होगी, और जब वो प्रैक्टिस करता है तो ही बच्चे में लर्निंग डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन of maturation and interaction of maturation and learning is important for development। लर्निंग, अब हम ये समझ चुके थे, हम ये समझेंगे इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जब कोई बच्चा मैच्योरिटी से किसी भी चीज को लर्न करता है, ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डेवलपमेंट के लिए। एक तो मैच्योरिटी होना, हेरिडिटी से आती है हमारे अंदर मैच्योरिटी, ठीक है। मैच्योरिटी मतलब बच्चा मैच्योर होके किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से इंटरेस्ट के साथ अगर पढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब कोई भी बच्चा मैच्योरिटी एंड लर्निंग का इंटरेक्शन होता है। जब जैसे मैच्योरेशन एंड लर्निंग आपस में मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे स्केल पे होगा, ठीक है।
स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट पढ़ा था हमने वूम टू टूम्ब जाता है डेवलपमेंट, मींस कि गर्भ से लेके कब्र तक, कहां से लेके कहां तक, गर्भ से जब बच्चा माँ के पेट में आता है तब से लेके और जब कब्र तक पहुंचता है तब तक हमारा डेवलपमेंट, जो भी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं कंटिन्यूस, वो सब क्या कहलाते हैं, डेवलपमेंट। बर्थ टू डेथ, बच्चे का जन्म हो गया तब से लेके, जन्म से लेके मरण तक जो भी हमारे अंदर चेंजेस आएंगे सब क्या कहलाएंगे, डेवलपमेंट। कंटिन्यूस प्रोसेस, ये हमेशा चलता है, जो भी हमारे अंदर चेंजेस आ रहे कंटिन्यूअसली वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट में कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई चोट लगी, आपको कोई इंजरी हो गई, वो आपका डेवलपमेंट है, नहीं। जो हमारे लाइफ में हमेशा के लिए रहेगा वो है, नॉट अ रैपिड चेंज, जो एकदम से हमारे अंदर कोई चेंज आया वो डेवलपमेंट में काउंट कभी नहीं होता, ठीक है। परमानेंट चेंज, हमें चोट लगी वो नॉट परमानेंट चेंज, ये ऐसा नहीं है कि हमें चोट लग गई तो वो हमेशा के लिए रहेगी, नहीं, वो ठीक भी तो होगी ना, तो इट्स अ परमानेंट चेंज। क्वालिटेटिव चेंज, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इट इज नॉट मेजरेबल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम डाउट हो पूछ सकते हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, सिंपल है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में फोर ही मेन होते हैं, PCSE से याद रखते हैं, बहुत इजी ट्रिक से आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, जो हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, परमानेंट चेंज, सो ये क्या होता है, शारीरिक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, बौद्धिक विकास, क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, सामाजिक विकास, जो भी बच्चा समाज से सीखता है, सामाजिकली जो उसका डेवलपमेंट होता है कि हमें अपनी सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है, कैसे रहना है हमें अपनी सोसाइटी में, ये सब हमारा सोशल डेवलपमेंट आता है। और इमोशनल डेवलपमेंट में क्या आता है हमारा, कि बच्चे का इमोशंस पे संवेगिक विकास कहते हैं इसमें, कि बच्चा अपने संवेगों पे, अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करते, कैसे उसका डेवलपमेंट है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने का, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। ये क्वालिटेटिव चेंज है कि इसमें हम बच्चे की क्वालिटी देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए डेवलपमेंट। ये क्वांटिटेटिव होता है, हमें पता चल सकता है कि हमारी हाइट वेट कितने चेंजेस हो रहे हैं, कितना मेजर कर सकते हैं हम इसको, सो इट इज नॉट मेजरेबल एंड इट इज मेजरेबल। चेंजेस इन ऑर्डर, और ये क्या है, दिख सकते हैं आपकी हाइट में चेंज होगा तो कोई भी जा सकता है कि पहले इसकी 5 थी अभी थोड़ा बढ़ रहा है, इसकी चेंजेस आ रहे हैं, सो इट इज सीन और इट इज नॉट सीन। नेक्स्ट पढ़ा था हमने मैच्यूरेशन, ये किससे रिलेट करता है मैच्यूरेशन, हेरिडिटी से। हेरिडिटी कहाँ से मिलती है हमें, हमारे पेरेंट्स से, ठीक है। इट इज अ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये हमारे अंदर जो भी हमारी सोचने की, क्रिटिकल थिंकिंग करने की जो भी होती है क्षमता है उस पर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है हमारा रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अब रिलेशन क्या है डेवलपमेंट और लर्निंग का, जब तक बच्चा लर्न नहीं करेगा, कुछ सीखेगा नहीं, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें हमने वही पढ़ा, लर्निंग इज डेवलपमेंट कम फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस, जब तक बच्चा अपने एफर्ट्स नहीं डालेगा किसी भी चीज को लर्न करने के, अपने कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक उसमें डेवलपमेंट नहीं होता। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन ऑफ मैच्यूरेशन, ठीक है, इंट्रैक्शन ऑफ मैच्यूरेशन एंड लर्निंग, जब तक मैच्यूरेशन और लर्निंग का इंट्रैक्शन आपस में नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट हम कल हम पढ़ेंगे
प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंट के लिए, सी टेट के लिए. इससे पक्का एक दो तीन, दो से एक दो क्वेश्चन तो कंफर्म आते ही आते हैं. सो कोई भी कल वाली क्लास स्किप नहीं करेगा, क्योंकि इट्स अ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स. इसको प्लीज स्किप मत करना. प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट करेंगे हम. आज के लिए हम इतने रखते हैं. होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी. सो अब स्टूडेंट्स हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके डन.